हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम एस अली और आप देख रहे हो अमेरिकल यूनिक क्लासेस। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे वाक्य जिनकी हिंदी क्रियाओं का अंत लगता है, लगती है, लगते से होता है। और ऐसे सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, एक नहीं, ऐसे सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, पर वो देखने में बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं। अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि भाई सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन अगर गौर से देखते हो तो पता चलता है कि नहीं, ये तीनों सेंटेंसेस अपने आप में थोड़े थोड़े से अलग हैं, यानी इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। और उन डिफरेंसेस को अगर हम नहीं जानते हैं तो हमसे वो गलती हो जाती है जो कई सारे स्टूडेंट्स, कई लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पहले से होती आ रही है एंड अभी भी हो रही है, और हो सकता है कि फ्यूचर तक भी हो अगर इन चीज़ों से हम परिचित नहीं हों, इन चीज़ों से अगर हम वाकिफ़ नहीं हों। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लगता है, लगती है, लगते हैं वाले अनुवाद के बारे में। आपको जब कभी भी हिंदी के वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा लगता है, लगती है, लगते हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा कि लगता है, लगती है, लगते हैं का क्या सेंस है, उसकी क्या सिचुएशन है एंड और उसका अनुवाद किस प्रकार हम करें। ये चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लगता है, लगती है, लगते हैं का अनुवाद आपको तीन तरीक़ों से, और वो भी किस प्रकार और कैसे करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है चीनी मीठी लगती है, हमने लगती है लिखा, हिंदी क्रिया इसकी है लगती है। फिर मैंने लिखा है वह अभिनेत्री लगती है, फिर लगती है। एंड तीसरा सेंटेंस है यह मजबूत लगता है, यानी लगता है हिंदी क्रिया ये। और पहले मैं बता चुका हूँ कि आज की जो वीडियो है उसमें आपकी हिंदी क्रियाएं जो मिलने वाली है अंत में, वो लगता है, लगती है, लगते हैं मिलने वाली है। और लगता है, लगती है, लगते हैं कि अनुवाद में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके सेंटेंसेस इनकरेक्ट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज के बाद से ये गलती आप लोगों के साथ नहीं होने वाली है, या आप लोग ऐसी गलतियों से बचने वाले हो। ये वीडियो पूरी तरह से देख लो एंड समझ लो इस कॉन्सेप्ट को कि लगता है, लगती है, लगते हैं कि अनुवाद हमें किस प्रकार करना होता है। सबसे पहला सेंटेंस है चीनी मीठी लगती है। लगती है से पहले हमने यहाँ पर एरो का निशान दिया है और मीठी के नीचे हमने एडीजे लिखा है। एडीजे का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो जब कभी भी आपको लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले कोई एडजेक्टिव दिखाई दे, मीठा, मीठी, मीठे, लंबा, लंबी, लंबे, नाटा, नाटी, नाटे, मोटा, मोटी, मोटे, है ना, मजबूत, कमज़ोर, लंबा, नाटा, छोटा, इस प्रकार के जो भी आपको वर्ड्स मिले जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, वैसे वर्ड्स अगर आपको लगता है, लगती है, लगते हैं से अगर पहले दिखाई दे तो आपको उसका अनुवाद करना है इज़ और आर के द्वारा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है होता है, होती है, होते हैं का अनुवाद से पहले जब हम होता है, होती है, होते हैं से पहले जब एडजेक्टिव देखते हैं तो हम उनका भी अनुवाद इज़ आर से करते हैं। जब रहता है, रहती है, रहते हैं से पहले एडजेक्टिव देखते हैं तो उनका भी अनुवाद हम इज़ आर से करते हैं। और उसी लेसन का ये भी पॉइंट है कि जब लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो उसका अनुवाद भी हम इज़ आर से ही करते हैं। तो यहाँ पर इसका अनुवाद किया गया शुगर इज स्वीट, यानी चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, पानी ठंडा लगता है, वाटर इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडी लगती है, आइस इज़ कोल्ड, इस प्रकार से आप कई सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि जब कभी भी लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले एडजेक्टिव हो तो उनका अनुवाद हमें इज़ और आर से करना चाहिए। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, इसकी भी हिंदी क्रिया के अंत में हमने देखा है लगती है, इसमें भी लगती है और इसमें भी लगती है, लेकिन इसमें और इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, अंतर है, जो हमें इस वीडियो में समझना है। तो दूसरे सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ, वह अभिनेत्री लगती है। अगर लगती है से पहले अगर कोई प्रोफेशन हो, अभिनेत्री हो, नायक हो, खलनायक हो, डॉक्टर हो, किसान हो, कवि हो, यानी जो भी प्रोफेशंस हो, अगर वो लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले अगर नज़र आए तो हम उनका अनुवाद करते हैं लुक लाइक या फिर लुक्स लाइक के द्वारा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लुक्स लाइक का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम सिर्फ लुक लाइक का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुवाद हमने किया है वह अभिनेत्री लगती है, तो यहाँ पर वह के लिए हमने शी लगाया है, और फिर लुक्स लाइक हमको लगाना है किसके लिए, लगती है के लिए। लगता है, लगती है, लगते हैं के लिए आपको लुक्स लाइक या लुक लाइक लगाना है। तो ही, शी, इट के साथ वी फाइव का प्रयोग होता है, इसलिए हमने शी के बाद लुक में इस जोड़ा है, यानी लुक्स लाइक का प्रयोग किया है। तो सी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, यानी वह अभिनेत्री लगती है। ऐसे ही आप कई सेंटेंसेस बना सकते हो कि वह नायक लगता है, ही लुक्स लाइक ए हीरो, तुम लोग किसान लगते हो, यू लुक लाइक फार्मर्स, इस प्रकार के सेंटेंसेज आप बहुत सारे बना सकते हो लुक लाइक और लुक्स लाइक का प्रयोग करके। फिर से एक बार बता दूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड सिंगुलर नाउन हो तो हमें लुक्स लाइक लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम एंड प्लूरल नाउन हो
तो हमें लुक लाइक का प्रयोग करना है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने लुक्स लाइक का प्रयोग किया है। तो फिर से एक बार मैं इन दोनों सेंटेंसेस के फ़र्क को फिर से बताना चाहूँगा कि जब लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले एडजेक्टिव हो तो आपको इज़ आर से बनाना है, और जब लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले कोई प्रोफेशन हो जैसे कि लेखक, कवि, है ना, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका, इस तरह के कुछ वर्ड हो तो आपको उसको लुक लाइक और लुक्स लाइक के द्वारा बनाना है। अब बारी आती है अंतिम सेंटेंस की, यानी तीसरे वाले सेंटेंस की। इसकी हिंदी क्रिया के अंत में हमने देखा है लगता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि लगता है, लगती है, लगते हैं वाले सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। तो दो टाइप्स तो मैंने बता दिया यहाँ पर, यानी दो इसके प्रकार जो थे वो मैंने बता दिए, और ये तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि लगता है, लगती है, लगते हैं का अनुवाद इसमें हमें किस प्रकार करना है। इसमें हमें इसका अनुवाद सिम और सिम्स के द्वारा करना है, वो SIM सिम नहीं बल्कि SEEM सिम, और इसका प्रयोग दो तरह से हमें करना है, सिम एंड सिम्स। जैसे कि इधर मैंने बताया था लुक्स लाइक और लुक लाइक, वैसे ही ये सिम और सिम्स का प्रयोग आपको करना होगा। लेकिन कब करोगे, मेन पॉइंट की बात तो ये है कि आखिर करें तो कब करें। ऊपर के भी दो सेंटेंसेस आए थे जिनकी हिंदी क्रियाओं के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं थे, और नीचे के भी एक सेंटेंस आया है जिसमें लगता है हमको दिखाई दे रहा है, यानी हमें नज़र आ रहा है, लगता है, या फिर लगती है या लगते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं अरे भाई इसका अनुवाद हम कैसे करें। तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने लिखा है लगता है से पहले एडजेक्टिव, तो फिर पूछ बैठोगे कि सर ऊपर वाले में भी तो यही था, लगती है से पहले एडजेक्टिव, तो आपने उसका अनुवाद इज़ और आर से किया था, और यहाँ पर भी लगता है से पहले एडजेक्टिव है तो इसका अनुवाद इज़ आर से क्यों नहीं हुआ। कारण है, रीज़न है जो मैं बताना चाहूँगा। अगर लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले एडजेक्टिव हो और वो किसी निर्जीव चीज़ को डिनोट कर रहा हो, यानी नॉन लिविंग थिंग को वो डिनोट कर रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, वैसे सिचुएशन में आपको इज आर का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिम या सिम्स का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि यह मजबूत लगता है, मैंने किसी निर्जीव चीज़ की बात की है, किसी लकड़ी की बात की है, किसी बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि की बात की है, और मैंने बोला है कि यह मजबूत लगता है, तो उसके लिए हमने सिम्स का प्रयोग किया, इट सिम्स स्ट्रांग। जैसे मैं कह सकता हूँ वह साइकिल मजबूत लगती है, तो डेट साइकिल सिम्स स्ट्रांग। वह साइकिल कमज़ोर लगती है, डेट साइकिल सिम्स वीक। इस प्रकार के हम कई सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, कई सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के तीन सेंटेंसेस जिनके हिंदी क्रियाओं के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन उन तीनों का अनुवाद आपको बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से ये गलतियाँ जो आप पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में जो आपसे होने वाली थी या हो रही थी या हो रही है, वैसी गलतियाँ आज के बाद से आप नहीं करने वाले हो। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लो। अगर एक बार में समझ में नहीं है तो दो तीन बार चला करके देख सकते हो इस वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि नोट डाउन कर लोगे तो ये हमेशा के लिए बना रहेगा। फिर आपको यूट्यूब पर जा करके, है ना, मेरी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके इसके लिए अगर आप नोट डाउन कर लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से ऐसी गलती से आप लोग बचने वाले हो, ऐसी गलतियों से मुक्ति आपको मिलने वाली है। अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आ रहा हूँ कुछ और भी नए फैक्ट के साथ, कुछ और भी डिफरेंट वीडियोस के साथ, कुछ और भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।